पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन में, और हमने स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन देखा था। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है के मीन क्लस्टरिंग। देखिए, के मीन क्लस्टरिंग पे न्यूमेरिकल हमेशा आता है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, उसमें आपको क्लस्टर्स बनाने होंगे उस न्यूमेरिकल के हिसाब से जैसा दिया रहेगा। तो पहले हम समझते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है। तो क्लस्टरिंग का मतलब होता है, जैसे अगर अमेजॉन, जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का अलग क्लस्टर होता है, यानी अलग ग्रुप बना रहता है, ग्रोसरी का अलग रहता है, इसके बाद आपका बैग्स का अलग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग क्लस्टर्स बने रहते हैं। अच्छा, क्लस्टरिंग भी दो तरीके की होती है। अगर आपके ग्रुप वाइज क्लस्टरिंग है तो उसको हम सेंट्रल क्लस्टरिंग कहते हैं, और दूसरी होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग किस तरह की होती है कि सपोज कर लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का एक क्लस्टर है, तो उसमें हायरार्की बनी रहेगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टीवी हो सकता है। फर्दर मोबाइल में भी अलग अलग हायरार्की बन सकती है, क्लस्टर बन सकता है, जैसे कि एप्पल का मोबाइल हो गया, सैमसंग का हो गया, या फिर माइक्रोमैक्स का हो गया। उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर आपका वोल्टास का हो सकता है, वॉलपुल का हो सकता है, और टीवी में भी आपके डिफरेंट टीवीज हो सकती हैं, जैसे कि आपका सैमसंग की टीवी हो सकती है और आपकी एलजी की टीवी हो सकती है और अदर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ से एप्पल में भी कई कैटेगरी हो सकती है, आईफोन 7 हो सकता है, आईफोन 8 हो सकता है, आईफोन 9 हो सकता है। सैमसंग जो आपका है मोबाइल में, उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं, एस सीरीज होता है इसमें नोट सीरीज होता है, जे सीरीज होता है। उसी तरीके से माइक्रोमैक्स के भी अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही वोल्टास में भी रेफ्रिजरेटर अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, अलग अलग लीटर्स के हिसाब से, और ऐसे ही आपके टीवी में भी हो सकता है, इंचेस के हिसाब से कितने बड़े, एचडी है, फुल एचडी, स्मार्ट है, फुल स्मार्ट टीवी है। तो ये एक हायरार्की बन रही है, तो इसको हम लोग हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं। तो जो के मीन क्लस्टरिंग है वो बेसिकली आपको सेंट्रल क्लस्टरिंग पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल क्लस्टरिंग टाइप की क्लस्टरिंग करता है, नॉट हायरार्किकल। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम देख लेते हैं। पहले के मीन क्लस्टरिंग के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप वन क्या होता है, टेक अ मीन वैल्यू, आप कोई मीन वैल्यू लेते हैं। स्टेप टू में क्या होता है, फाइंड नियरेस्ट नंबर ऑफ मीन एंड पुट इन क्लस्टर। और स्टेप थ्री क्या हो जाएगा आपका, रिपीट स्टेप वन एंड स्टेप टू until we get same mean। तो देखिए, एल्गोरिथम पहले देखते हैं न्यूमेरिकल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा।
तो के मीन क्लस्टरिंग में क्या करते हैं, टेक अ मीन वैल्यू, सबसे पहले आप मीन वैल्यू लेंगे या मीन वैल्यू आपको गिवन रहेगी, कितने नंबर ऑफ मीन वैल्यू लेंगे, जितने नंबर आपको क्लस्टर्स बना रहे होंगे। अगर के इक्वल्स टू टू गिवन है तो यानी आपको दो क्लस्टर बनाना है उस न्यूमेरिकल में से, और आपको यानी दो मीन वैल्यू दी रहेगी, नहीं दी रहेगी तो खुद से आप लेंगे। स्टेप टू क्या है, फाइंड नियरेस्ट नंबर ऑफ मीन एंड पुट इन द क्लस्टर। अगर आपने दो मीन वैल्यू ली हुई है तो दोनों को बाकी के नंबर से कंपैरिजन करेंगे, जो नंबर जिस वाले मीन के ज़्यादा करीब होगा वो उसके क्लस्टर में चला जाएगा। और स्टेप थ्री क्या है, रिपीट स्टेप वन एंड टू अंटिल वी गेट सेम मीन। ये स्टेप वन और टू यानी टेक अ मीन, फिर से आप मीन लेंगे, फिर से नियरेस्ट नंबर को आप फाइंड आउट करेंगे, फिर से क्लस्टर बनाएंगे, ये तब तक आप करेंगे जब तक आपको मीन वैल्यू रिपीट ना होने लगे, क्लस्टर्स रिपीट ना होने लगे, तब तक ये काम करेंगे। अब ये स्टेप्स कैसे काम कर रहे हैं इसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल देखना होगा और न्यूमेरिकल से ये क्लियर हो जाएगा। तो सपोज कर लीजिए, अब जैसा मैं एग्जांपल में बता रहा था कि आपको इस तरीके से एक वैल्यू दी रहेगी 1, 2, 3, 5, 7, 9 अप टू जितना भी, और k की वैल्यू दी रहेगी, k की वैल्यू अगर 3 दी है तो 3 मीन वैल्यू दी रहेगी, या तीन वैल्यू मीन वैल्यू आपको खुद से लेना होगा अगर नहीं दिया रहेगा, और उसके हिसाब से क्लस्टरिंग करना होगा। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है। हमारा न्यूमेरिकल है एक्स इक्वल्स टू 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, 30। तो ये आपको वैल्यू दी हुई है, और k की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है, यानी कि दो क्लस्टर्स बनेंगे, और यानी आपकी दो मीन वैल्यू होगी। तो यहाँ कोई मीन वैल्यू गिवन नहीं है तो हम खुद से ले लेंगे m1 इक्वल्स टू 4 और m2 इक्वल्स टू 12, दो मीन वैल्यू हमने ले लिया है। तो इतनी चीज़ें हैं आपके पास और दो क्लस्टर बनाने हैं। तो स्टेप वन क्या था, स्टेप वन था टेक अ मीन वैल्यू, हमने स्टेप वन लिखा था टेक अ मीन वैल्यू, तो हमने मीन वैल्यू ले लिया, यानी पहला स्टेप हो गया है। स्टेप टू क्या, फाइंड नियरेस्ट नंबर ऑफ मीन एंड पुट इन क्लस्टर। तो मीन के नियरेस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें क्लस्टर जो k1 बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, 4 के करीब है या 12 के करीब है, किस वाले मीन के करीब है। तो 4 माइनस 2 जो है आपका 2 आ रहा है, 12 माइनस 2 आपका 10 आ रहा है, तो 4 के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ 2 m1 वाले के क्लस्टर में चला जाएगा। फिर 3 को कंपेयर करेंगे, 3 4 के ज़्यादा करीब है, 4 माइनस 3 1 होता है, 12 माइनस 4 जो है आपका 8 होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 4 4 के ही करीब है, अब 10 को चेक करेंगे, 10 माइनस 4 आपका 6 आएगा, 12 माइनस 10 आपका 2 आएगा, तो m2 के ज़्यादा करीब है, m1 के ज़्यादा करीब नहीं है, तो ये आपका k2 वाले क्लस्टर में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा 10। फिर उसके बाद 11 को चेक करेंगे, तो 11 भी देखिए, 11 माइनस 4 आपका 7 आएगा, और 12 माइनस 11 आपका 1 आएगा, तो यहाँ पे 11 आपके 12 वाले के ज़्यादा करीब है, 12 तो 12 के करीब होगा ही, 20 भी 12 के करीब होगा, 25 भी होगा और 30 भी होगा, तो दो क्लस्टर आपको बन गए, यानी सेकंड स्टेप आपका हो गया, फाइंड द नियरेस्ट नंबर ऑफ मीन एंड पुट इन क्लस्टर। अब स्टेप थ्री क्या है, रिपीट स्टेप वन एंड टू अंटिल वी गेट सेम मीन। अब स्टेप वन और टू को हम रिपीट करेंगे, कैसे रिपीट करेंगे, आपने यहाँ m1 इक्वल्स टू 4 लिया था, यहाँ m2 इक्वल्स टू 12 लिया था, अब की बार जो m1 लेंगे वो इसका आप एवरेज लेंगे, तो एवरेज क्या होगा आपका, 2 + 3 + 4/3 दैट इज इक्वल्स टू 9/3 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो आपके m1 की वैल्यू अब की बार आ रही है 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 + 11 + 12 + 20 + 25 + 30/6, तो ये वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 108/6 दैट इज इक्वल्स टू 18, m2 की वैल्यू आपकी 18 आ गई। तो अब की बार हम m1 की वैल्यू हम कितना लेंगे, m1 की वैल्यू 3 लेंगे,
और एम टू की वैल्यू 18 लेकर के दोबारा से क्लस्टर में लाएंगे, तो एम वन की वैल्यू आपकी 3 है, एम टू की वैल्यू आपकी 18 है। फिर चेक करेंगे तो के वन क्लस्टर कैसे बनेगा, 3 के नियरेस्ट, 2 के नियरेस्ट 3 है या 18 है, तो 3 के ज़्यादा करीब 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 3 के करीब है ही। अब चेक करेंगे कि 4 3 के करीब है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, 18 के मुकाबले। अब 10 को चेक करेंगे तो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 है, 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8 है, तो 7 ज़्यादा कम नंबर यानी ज़्यादा करीब है M1 के, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10। अब आप 11 चेक करेंगे तो 11 माइनस 3 जो है आपका 8 आएगा, 18 माइनस 11 आपका 7 आएगा, तो K2 वाले ग्रुप में चला जाएगा आपका 11। फिर 12 भी 18 के ज़्यादा करीब है 3 के मुकाबले, 20 भी ज़्यादा करीब है, 25 भी ज़्यादा करीब है, और 30 भी ज़्यादा करीब है, तो ये आपकी अगली क्लस्टर बन गई, यानी आपने फिर से मीन लिया और अगला क्लस्टर बनाया। फिर दोबारा M1 M2 की वैल्यू लेंगे, कैसे लेंगे आप, सेम स्टेप रिपीट करेंगे, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 अपॉन 4, और K2 की वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन 5। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.75, जिसको हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 5 के, तो ये आपकी M1 की वैल्यू हो जाएगी, और M2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 19.6 आएगी, जिसको हम 20 के अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो अब की बार M1 की वैल्यू 5 आ गई है और M2 की वैल्यू 20 आ गई है, तो फिर से सॉल्व करेंगे, M1 की वैल्यू आपकी आई है 5 और M2 की वैल्यू आई है आपकी 20। तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो फिर K1 जो आएगा आपका क्लस्टर वो आएगा 2 जो है 5 के करीब है, तो 2 यहाँ आएगा, 3 भी 5 के करीब है 20 के मुकाबले, 4 भी 5 के करीब है 20 के मुकाबले, 10 भी 5 के करीब है 20 के मुकाबले, 11 माइनस 5 6 बचा, यानी 11 भी ज़्यादा करीब है 20 के मुकाबले, 12 माइनस 5 आपका 7 आएगा, यानी कि 12 भी ज़्यादा करीब है 5 से 20 के मुकाबले। अब 20 आ गया खुद ही, तो 20 के ज़्यादा करीब है, तो K2 की वैल्यू हो जाएगी 20, 25 भी 20 के ज़्यादा करीब है और 30 भी 20 के ज़्यादा करीब है। अब इसके हिसाब से दोबारा आप M1 M2 की वैल्यू निकालेंगे, तो M1 की वैल्यू फिर एवरेज वैल्यू इसकी ले लेंगे, जो कि आपका होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 अपॉन 6, और M2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी M1 की 7 और M2 की आएगी 25। तो M1 M2 की वैल्यू फिर हम लेकर के सॉल्व करेंगे, अब की बार M1 की वैल्यू हम लेंगे हम 7 और M2 की वैल्यू लेंगे हम 25, ठीक है। अब दोबारा से सॉल्व करेंगे, दोबारा से सॉल्व करेंगे तो फिर वैल्यू चेक करेंगे कौन किसके करीब है, तो हम चेक करेंगे 2 जो है 7 के ज़्यादा करीब है, तो K1 वाले में आएगा आपका 2, 3 भी 7 के करीब है, 4 भी 7 के करीब है, 10 भी 7 के ज़्यादा करीब है 25 के मुकाबले, 11 भी 7 के करीब ज़्यादा करीब है 25 के मुकाबले, 12 भी ज़्यादा करीब है 7 के 25 के मुकाबले, बट 20 जो है वो 25 के ज़्यादा करीब है, तो K2 इक्वल्स टू आएगा 20, 25 और 30, ठीक है। ये सेम चीज़ आ रहा है जो पहले आया था, वही क्लस्टर बन रहा है, यानी इसका फिर हम M1 की वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 अपॉन 6, जो कि M1 की वैल्यू 7 की इक्वल होगी, और फिर आपके M2 की वैल्यू होगी 20 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 25।
एम टू की वैल्यू। तो देखिए एम वन की वैल्यू यहाँ 7 थी, यहाँ भी 7 आ रही है, रिपीट होने लगी। फिर एम टू की वैल्यू 25 है, यहाँ भी 25 आने लगी। तो अंटिल हमको स्टेप 1 2 कब तक करना था, जब तक एम वन एम टू की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू रिपीट ना होने लगे। तो मीन की वैल्यू रिपीट होने लगी है, यानी हमारा फाइनल आंसर जो है वो यही होगा। यानी दो क्लस्टर्स बनेंगे, K1 में आपका आएगा 2 3 4 10 11 12 और K2 में आएगा आपका 20 25 30। तो ये आपका आंसर होगा। तो हमने ये देखा कि क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि जिन ऑब्जेक्ट्स का वैल्यूज यानी कि सिमिलरिटी ज़्यादा करीब होगी वो एक क्लस्टर बना लेंगे। तो इनका एक क्लस्टर बन गया मीन 7 के हिसाब से, और इनका अलग क्लस्टर बन गया मीन 25 के हिसाब से। अब सपोज कर लीजिए सेम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे के की वैल्यू 2 ही दी हुई है, हमने अपने मन से M1 की वैल्यू 10 ले रखी है, M1 की वैल्यू 10 ले रखी है और M2 की वैल्यू हमने 20 ले रखी है। तो देखिए अब की बार ये गिवन है, दो क्लस्टर बनेगा, हम फिर कोशिश करते हैं बनाने का। तो K1 क्या बनेगा आपका, 2 10 के ज़्यादा करीब है, 3 10 के ज़्यादा करीब है, 4 10 के ज़्यादा करीब है, 10 10 के ज़्यादा करीब है, 11 10 के ज़्यादा करीब है, 12 12 माइनस 10 तो 12 भी इसके ज़्यादा करीब है, और K2 आपका क्या हो जाएगा 20 25 30। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप M1 M2 की वैल्यू फिर फाइंड आउट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 10 11 12 6, ये M1 हो जाएगा, और फिर M2 की वैल्यू हो जाएगी 20 25 30 3, दैट इज इक्वल्स टू 25। यहाँ M1 की वैल्यू 10 है, यहाँ पे M1 की वैल्यू 7 आई है, यहाँ M2 की वैल्यू 20 है, यहाँ M2 की वैल्यू 25 आई है। तो अब की बार हम क्या लेके करेंगे, M1 की वैल्यू 7 लेंगे M2 की वैल्यू हम 25 लेंगे, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कुछ M1 M2 की वैल्यू आई है। तो फिर K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 7 के ज़्यादा करीब है 25 के मुकाबले, 3 भी 4 भी 10 भी 11 भी 7 के ज़्यादा करीब, 11 माइनस 7 आपका 4 होता है, 25 माइनस 11 आपका कितना होगा 14 होगा, तो ज़्यादा करीब है 7 के, 12 भी। और अब जो है 20 को चेक करेंगे तो 20 ज़्यादा करीब है 25 के, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 25 और 30। दोबारा से आप M1 की वैल्यू निकालेंगे तो सेम तरीका है, 2 3 4 10 11 12 6, दैट इज़ M1 इक्वल्स टू 7, और M2 क्या हो जाएगा आपका 20 25 30 3, दैट इज इक्वल्स टू 25 M2। देखिए वैल्यू रिपीट होने लगी, M1 की यहाँ 7 थी, यहाँ भी 7 आ रही है, और M2 की यहाँ 25 थी, यहाँ भी 25 आ रही है। तो यानी कि अब यहाँ स्टॉप कर देंगे, फिर से देखिए क्लस्टर जो बनेगा वो K1 K2 ये वाला बनेगा। तो उसी तरीके से इसका भी आंसर आया है। तो के मीन क्लस्टरिंग में हमने देखा कि हमारे जो वैल्यूज मीन के करीब आते हैं उनका अलग क्लस्टर बन जाता है, जो दूसरे वाले मीन के करीब आएगा उसका अलग क्लस्टर बन जाएगा। मान लीजिए मैं सेम एग्जांपल को 3 क्लस्टर के लिए करता हूँ, फिर चेक करता हूँ क्या आंसर आता है। तो सपोज कर लीजिए अब की बार एक्स इक्वल्स टू है 1 5 1
4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 20, के की वैल्यू जो है वो 3 है, यानी हमें 3 मीन लेना होगा। हमने अपने मन से ले लिया है मीन 4, 9 और 15, ठीक है। तो 4 के हिसाब से चेक करेंगे तो K1 जो आपका बनेगा वो बनेगा, ये आपका M1 है, ये M2 है और ये M3 है। तो K1 जो आपका बनेगा वो बनेगा 1, 1 4 के ज़्यादा करीब है या 9 के, 4 के, तो इसमें आपका 1 आ जाएगा। 4, 4 के ही ज़्यादा करीब होगा 9 के मुकाबले। अब 5, 5 माइनस 4 आपका 1 आ रहा है, तो 5 ज़्यादा करीब है इसके, ठीक है, 9 के मुकाबले। अब 7, तो 7 माइनस 4 3 आ रहा है, 9 माइनस 7 2 आ रहा है, यानी कि K2 वाले में चला जाएगा आपका 5। 15 से भी कंपेयर करेंगे तो 5 15 और 9 और 4 के मुकाबले ज़्यादा करीब है 5 के, सॉरी 9 के। जैसे 4 आपका एक है मीन, एक 9 है और एक 15 है। हमने चेक किया 5 के लिए तो 5 4 के ज़्यादा करीब था 9 और 15 के मुकाबले। अब 7 के लिए चेक किया है तो 7 माइनस 4 3 आ रहा है, 9 माइनस 7 2 आ रहा है, 15 माइनस 7 आपका 8 आ रहा है, तो 9 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, 9 9 के ज़्यादा करीब होगा ही दोनों के मुकाबले। 10 को हमने चेक किया तो 10 भी हमें 9 के ज़्यादा करीब दिखाई दिया दोनों के मुकाबले। 13 को चेक किया तो 13 आपने देखा कि 15 माइनस 13 2 आ रहा है, बट 13 माइनस 9 आपका 4 आ रहा है, तो आपका 13 जो है ज़्यादा करीब होगा 15 के एज कम्पेयर टू 9 एंड 4। तो K3 में आ जाएगा आपका 13, 15 और 20, ठीक है। तो अब की बार फिर से हम कैलकुलेट करेंगे M1, तो M1 क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 3। M2 क्या होगा आपका, 7 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन 3। और M3 क्या होगा आपका, 13 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन 3। इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा, 5 प्लस 4 9 10, 10 अपॉन 3 क्या होगा, 3.3 आ रहा है। ये क्या होगा, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 7 26, 26 अपॉन 3 अगर आप निकालेंगे तो आपका आएगा करीब 8.3। तो M2 की वैल्यू आई है 8.3 और M3 की वैल्यू आएगी आपकी 20 प्लस 15 आपका क्या हो जाएगा, 35 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 48। तो 48 अपॉन 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 18 6 16 आया। तो अब की बार जब हम सॉल्व करेंगे तो M1 की वैल्यू लेंगे हम 3.3, M2 की वैल्यू लेंगे हम 8.3 और M3 की वैल्यू लेंगे हम 16। चलिए सॉल्व करते हैं फिर से। तो पहले वाले के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो K1 जो है वो आपका आएगा 3.3 के 1 ज़्यादा करीब है, 1 आ जाएगा। 4 भी ज़्यादा करीब है 8.3 के मुकाबले, 5 भी ज़्यादा करीब है 8.3 के मुकाबले, 5 से अगर आप 3.3 माइनस कर रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आप 8 से करेंगे तो 3.3 आएगा। तो यहाँ पे हमने फिर 7 को चेक किया तो 7 8.3 के ज़्यादा करीब है 3.3 के मुकाबले, तो K2 आ जाएगा आपका 7। फिर 9 को चेक करेंगे 3.3, 16 और 8.3 के मुकाबले, तो 8.3 आएगा यहाँ। फिर 10 को चेक करेंगे तो 10 भी यहाँ आएगा। फिर आएंगे 13 को चेक करेंगे तो 13 जो है वो आपके 16 के ज़्यादा करीब है एज कंपेयर टू 8.3, तो K3 में आ जाएगा आपका 13, 15 और 20, उन दोनों के मुकाबले 16 के ज़्यादा करीब है 13, 15, 20 एज कम्पेयर टू 8.3 एंड 3.3। दोबारा से आप निकालेंगे M1 की वैल्यू तो आएगा 1 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 3.3। फिर M2 आएगा आपका
सेवन प्लस यहाँ नाइन होगा, 8.3 लिखो, नाइन प्लस 10/3 दैट इज इक्वल्स टू 8.3 होगा, और लास्ट होगा आपका 13 प्लस 15 प्लस 20/3 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है M1 की, 3.3 यहाँ है, यहाँ भी है, M2 की वैल्यू जो है 8.3 यहाँ है, यहाँ भी है, M3 की वैल्यू यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है। अब मीन की वैल्यू रिपीट होने लगी है, यानी आप यहाँ स्टॉप कर देंगे और आपका फाइनल आंसर ये वाला होगा, ये वाला जो क्लस्टर आया था। तो तीन क्लस्टर बने थे, K1 इक्वल्स टू 145, K2 इक्वल्स टू 7910 एंड K3 इक्वल्स टू 13 15 20। तो K की वैल्यू 2 3 दी रहेगी, उतने क्लस्टर्स आप बनाते जाएंगे। तो ये के मीन क्लस्टरिंग थी, के मीन क्लस्टरिंग पे हम और भी चीजें देखेंगे। इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे पीसीबी प्रिंसिपल कंपोनेंट, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है इसका ब्रीफ मैं अगले लेक्चर में आपको दूंगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। फिलहाल इन इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, तीन क्लस्टर लेके, चार क्लस्टर लेके सेम क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ये बहुत ही इजी है, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो आपके अगर एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो करना इसमें कुछ नहीं है, बस हमें क्लस्टर बनाना है, तो वो आपके 10 मार्क्स समझ लीजिए कि बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।